उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जहां मामूली बात पर दो पक्ष भिड़ गए। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है, जहां दोनों पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। मामला बुलंदशहर के थाना नरसेना इलाके के फरीद बांदर गाँव का है, जहाँ एक पक्ष के दबंग महिलाओं की पिटाई करते दिख रहे हैं। दबंग महिलाओं की पिटाई करते नजर आए तो वहीं कुछ लोग तमाशबीन बने दिखाई दिए। वहां कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल साइट्स पर वायरल हो रहा है। मारपीट में महिलाओं समेत दर्जनों लोग घायल हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर है कि ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने अपने मुल्क में बने ईरानी ड्रोन पुतिन को देने की रिपोर्ट खारिज कर दी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि रूस तक ईरान के घातक ड्रोन पहुंचाने में इन दोनों देशों की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि अक्टूबर के शुरुआत में क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हमले से भड़के पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों को ईरान के शाहिद 136। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। ड्रोन से किए हमलों में दहला दिया था। यूक्रेन में इन ड्रोन से मची तबाही के बाद सवाल उठने लगे थे कि आखिर ये ड्रोन रूस तक कैसे पहुंचे और इन्हें कहां बनाया जा रहा है। ईरान के सारे सहयोगी देशों के नाम पर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इस बीच पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने इन ड्रोन को तैयार करने के लिए ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में फैक्ट्री खोली है, जिनमें ईरान के हथियारों के पुर्जे लाए जा रहे हैं, फिर उन्हें असेंबल करने यानी कि जोड़ने का काम उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान में हो रहा है। उसके बाद यही ड्रोन रूस की फौज के पास पहुंचाए जा रहे हैं। इसीलिए इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद इन दोनों देशों में हड़कंप मच गया और उन्होंने अपने देश में बने ड्रोन रूस को सप्लाई किए जाने की रिपोर्ट को बेबुनियाद बता दिया।